पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के मामले के बाद देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश व्याप्त है। मामले के बाद देश भर के डॉक्टर सुरक्षा के लिए कानून बनवाने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर सोमवार को प्रदेश भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं और ऐसे में प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और निजी अस्पतालों में ओपीडी सुविधाएं बंद की गई हैं। वहीं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट सहित अन्य स्टाफ हड़ताल में चल रहे हैं। हालांकि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के आचार्यों को ड्यूटी पर जाने के निर्देश दिए हैं और जिसके बाद एसएमएस अस्पताल की ओपीडी कुछ सुचारू हो सकी। 24 घंटों के इस हड़ताल को लेकर डॉक्टरों ने मुख्य मांग डॉक्टरों की सुरक्षा का कानून बनाने की है और डॉक्टरों की हड़ताल के कारण प्रदेश भर के मरीजों को परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। हालांकि डॉक्टर ने आपातकालीन सेवाएं सुचारू रखने की व्यवस्था की और जिसमें गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश व्याप्त है और उसी को लेकर आज प्रदेश भर के डॉक्टरों ने हड़ताल का रुख अपना लिया है। हम मौजूद है एसएमएस अस्पताल का ओपीडी में, जहां लगातार इन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन यहां अभी तक डॉक्टर नहीं पहुंचे। हालांकि डॉक्टरों ने हड़ताल का रुख अपना रखा, ऐसे में नहीं पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आचार्यों को बैठने के निर्देश दिए थे, लेकिन यहाँ पे इनकी जो आचार्य है वो भी अभी तक नहीं पहुँचे। उन्होंने भी हड़ताल का कहीं ना कहीं रुख अपना रखा है, ऐसे में मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ मरीज हैं, उनसे भी बात करें, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जी देखिए, लगातार इनकी लंबे समय से डॉक्टर यहाँ मरीज यहाँ पर पहुँच रहे हैं, डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, काफी इंतजार किया है मरीजों ने। कितनी देर हो गई, कहाँ से आए हो आप उपचार के लिए? उपचार के लिए जो है शिवपुर जिले के विजयपुर तहसील से आया हूँ सर। मेरे को एक महीना हो गया लगातार आते आते, अब तक कोई। आज से डॉक्टरों ने हड़ताल कर ली है 24 घंटे के लिए, कैसे में इनकी अब इनकी किस प्रकार का होगी? यहाँ पे आप एमपी से आए हो, तो देखिए लगातार यानी कि जो मरीजों की संख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुँचने के कारण मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उपचार के लिए जयपुर से ही नहीं, बाहर से भी, राजस्थान के बाहर से भी मरीज यहाँ पे पहुँच रहे हैं। मैंने पहले अल्टीमेट नहीं देने का, मरीज यहाँ पे लगातार पहुँच रहे हैं, ऐसे में काफ़ी समस्याओं का सामना पड़ रहा है। हालांकि डॉक्टरों सरकार की लड़ाई के बीच में मरीज को पीछना पड़ रहा है। पिछले भाजपा सरकार के समय भी डॉक्टरों ने लगातार लंबा आंदोलन करके और जो आंदोलन था डॉक्टरों की सुरक्षा मुहैया करवाने का, क्योंकि डॉक्टरों को मरीजों के इलाज के दौरान कई बार मरीजों और परिजनों का आक्रोश का सामना करना पड़ता है, ऐसे में डॉक्टर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और उसी मांग को लेकर उन्हें 24 घंटे के लिए डॉक्टर ने हड़ताल की है। जयपुर से कैमरा मैन रामकिशन सैनी के साथ लोकेश सोलह, टीम।